जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अक्षय तृतीया की कथा। आप सभी भक्तों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का व्रत धारण किया जाता है। अक्षय तृतीया जो कि महान अक्षय फलों को देने वाली है, इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ किसी भी प्रकार का पूजन आदि का कार्य करते हैं, स्नान दान जप तप होम आदि का कार्य करते हैं या सोना चांदी वस्त्र आभूषण आदि की खरीदारी करते हैं तो उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, कुबेर देवता का, माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके और जो भी बन सके पूजन करना चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस बार अक्षय तृतीया का व्रत जो कि 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को धारण किया जा रहा है। तृतीया तिथि प्रारंभ समय 10 मई 2024 दिन शुक्रवार सुबह 4:18 और तृतीया तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मई की रात्रि 2:51 पे तृतीया तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को जो कि मध्याह्न व्यापनी ली जाती है, इस कारण से 10 मई को सभी भक्तजन व्रत धारण करेंगे। इस दिन पूजन के लिए या खरीदारी के लिए जो समय है वह समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 5:15 से सुबह 10:13 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय सुबह 11:55 से दोपहर 1:34 तक होगा। उसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय शाम 4:53 से शाम 6:33 तक होगा और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय रात्रि 9:14 से रात्रि 10:34 तक होगा। इन समय में आप पूजन आदि का कार्य या खरीदारी का कार्य कर सकते हैं जो कि बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। विशेष करके सुबह के समय में ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करें तो यह अनंत फलदायी होगा। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि के दिन यानी कि अक्षय तृतीया तिथि के दिन नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जो कि अवतार हुए थे तो इस दिन इनके पूजन करने का भी विधान है। इनका पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए, विष्णु चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए, अक्षय तृतीया की कथा को सुननी चाहिए। इससे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से अक्षय तृतीया तिथि के दिन पुण्य कार्य करने का अक्षय फल माना गया है, उसी प्रकार से अगर स्त्री बुरे कार्य करते हैं, पाप कर्मों को करते हैं तो इसका भी फल अधिक माना गया है। इसलिए अक्षय तृतीया तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इससे दैविक कृपा प्राप्त होती है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था जो कि अपने परिवार के साथ गरीबी में जीवन जी रहा था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता लगी रहती थी क्योंकि उसके परिवार में कई सदस्य थे जिनकी जिम्मेदारी उसी पर थी। धर्मदास बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सभी देव और ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा की वजह से उसे हर कोई पसंद करता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया जो कि महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है, इस दिन ही नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। ऐसे में इस शुभ दिन पर
किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल होता है, यानी ऐसा फल जिसकी समाप्ति कभी नहीं होती। साथ ही ऋषियों ने भी यह कहा कि इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण आदि किया जाए तो यह बहुत ही पुण्य फलदायी और अक्षय फल माना गया है। इस प्रकार अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया का व्रत रखने का निश्चय किया। अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने बहुत सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। पूरी श्रद्धा से व्रत और अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए घड़े का दान किया। पंखा, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, जौ, सत्तू चावल, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान को अर्पित करके ब्राह्मणों को दान दी। इतना सब दान देना देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। परिवार वाले कहने लगे कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो सभी का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नहीं माना और उसने अपने दान और पुण्य कर्म को श्रद्धा से किया। इतना ही नहीं, उसने इस शुभ दिन पर ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान भी दिया। इस तरह उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया उसने प्रत्येक बार पूरी विधि से पूजा की और दान आदि का कर्म किया। वृद्ध होने के साथ साथ अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होने के बाद भी उसने अक्षय तृतीया का व्रत धारण कर उपवास किया, साथ में धर्म कर्म और दान पुण्य करते रहे। इस प्रकार अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कर्म के कारण ही यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन का फल अगले जन्म में भी मिलता है, इसलिए धर्मदास को नया जन्म धनी राजा के रूप में मिला और वह धनी प्रतापी राजा हुआ, जिसके घर में त्रिदेव भी उसके दरवाजे पर अक्षय तृतीया तिथि के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके शामिल हुए। वह राजा वैभवशाली होने के बावजूद भी हमेशा धर्म मार्ग पर चलता रहा। उसे अपनी श्रद्धा और भक्ति पर कभी घमंड नहीं हुआ। इस प्रकार से यह राजा अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर पाया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अक्षय तृतीया तिथि के दिन भगवान का पूजन करते हैं, स्नान, दान, जप तप, होम आदि का कार्य करते हैं तो उनके पुण्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। यह अक्षय फलों को प्रदान करने वाली। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।